नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्न प्रथम हेडलाइंस राज्य में कोरोना मृत्यु लगुनी ब्रेक रेकर्ड 61 जन जीवन नेला वायरस 24 घंटा 2806 पॉजिटिव खोर्धार 590 कटक 441 हिंसारे कोविड रोगी को अवहेला अभियोग अवसरप्राप्त जिला जज द्वारा तदंत निर्देश देले हाइकोर्ट डाक्तर रोहु नथुबा व बाहर मेडिसिन आणवा कहुवा अभियोग जलिला बारिपदा रक्त भंडार सर्ट सर्किट जो अग्निकाण्ड संदेह टेस्टिंग मशीन पोड़ी जा रक्त नेबा व देबारे असुविधा सेपटे फालछरी गाँव में घर जा आवास घोटाला विरोध में बड़ लड़े तृतीय दिन में बीजेपी आंदोलन हजारे कोटीर बड़ दुर्नीति विरुद्ध चली लड़े राज्यव्यापी ब्लॉक ऑफिस घेराव एवं पाखी आसुची रथयात्रा आज श्रीजी पवित्र नवजौवन दर्शन व नेत्रोत्सव आषाढ़ अमावास्या तिथि महाप्रभु को विशेष बेश स्नान पूर्णिमार स्नान परे अणसर घरे अछंती चतुर्धा मूर्ति बड़ खबर आसी पहुंची नजर पकेबा हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर रे गिरफ भुवनेश्वर पांच साइबर ठक गिरफ होती भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस एमानको गिरफ करितबा सूचना हैदराबाद रे 30 लाख टंकार साइबर क्राइम करितबा ने अभियोग होईची एमानको आज हैदराबाद पुलिस को हस्तांतर करबा कमिश्नरेट पुलिस ब्रेकिंग न्यूज ऊपर नजर पकोचू हैदराबाद रे 30 लाख टंकार जहां सूचना रहीची साइबर क्राइम एवं हैदराबाद रे क्राइम होई किंतु गिरफ भुवनेश्वर माने भुवनेश्वर सहित लिंक निश्चय रही जोठ भुवनेश्वर पांच जन साइबर ठक गिरफ होती भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस एम गिरफ करी जानते एवं लॉकडाउन सटडाउन समय अधिक साइबर ठकों संख्या बढ़ी चली अनेक लोक साइबर ठकों हाबुड़े पड़ते जेहेतु अनेक काम पेंडिंग रही तो अनेक उपाय अनेक कौशल समस्ते चेष्टा कर लोकों भुआ बुलेबा ए साइबर ठकों जो नेटवर्क रही दिनक दिन मुंड विंधार कारण पलटि हैदराबाद रे क्राइम होई अथच भुवनेश्वर रे गिरफ होती ठक पांच साइबर ठक गिरफ भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस मानकु गिरफ कर हैदराबाद रे 30 लाख टंकार साइबर क्राइम करितबाने अभियोग होई आज हैदराबाद पुलिस को हस्तांतर करिबो कमिश्नरेट पुलिस से बाबद अधिक सूचना पाई फोनलाइन जोड़ी होई हम प्रतिनिधि संतोष संतोष कौन अपडेट रहउछि समय साइबर क्राइम को रोक लगे जो भाव में पंखा अपना विशेष भाव में स्टेट पुलिस एवं स्टेट बाहर पुलिस पूरा मिलित ऑपरेशन करेंगे आप जानते गोटे पंथा था आईपी एड्रेस चेंज कर साइबर लूट करती अनेक लोक शिकार बनाती किंतु किसी भिन्न कथा जे परस्पर सहित भिन्न भिन्न राज्य भिन्न भिन्न पुलिस समस्त समस्त लिंक रे रही आउ जेउठो जेउ आईपी एड्रेस रे लूट हो कि ठके हो किभली भाव में सांगे सांगे से पहुंचे और जो मैंने ठकेर शिकार कर गिरफ करमी आप देखु किदिन पूर्व गुड़ाए सीम जबत है और जना पड़गला प्राथमिक स्तर में जदि हैदराबाद कि आंध्र प्रदेश कि गुजरात लुट हो तो किए ओार भद्रक बालेश्वर आसी के खोज ना कि बर्तमान समय सीम जो टेलिकम कंपनी गुड़ बर्तन पुलिस चिठी लिखिले जे सीम रजिस्ट्रेशन क्षेत्र में प्री आक्टिवेशन क्षेत्र में सुधार आने कि घटना देखाई एमती जे हैदराबाद में पाखापाखि 30 लाख टंकार साइबर ठके सूचना मिलता और हैदराबाद में ठके शिकार कर जितने राजधानी से लुटी और भरतपुर थाना अंचल से गिरफ्त कराई पांच जन साइबर ठकों गिरफ्त कराई जो मानक विषय संपर्क मिली बर्तमान सुधा हैदराबाद पुलिस को खबर दि जा सारे हैदराबाद पुलिस कि समय पर ये साइबर ठक मानक निज हाथ को नब और से ठके कर कहीं पुलिस ठकों निज हेफाजत को आनी धीरे धीरे जानवाक चेस्टा करो टेक्नोलोजी मध्यम से
ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବାଟ ପାଉନି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେହି ପଥକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇବର ଲୁଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଖି ପିଛିଳା କି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସୁନ୍ଦରତା बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सविशेष सूचना पर संतोष जेना भुवनेश्वर प्रतिनिधि जहां सूचना दौले हैदराबाद में 30 लाख टंकार साइबर क्राइम होई एवं भुवनेश्वर 5 साइबर ठक गिरफ होता सूचना रही। साइबर अपराध दिनकू दिन बढ़ी चली विशेष भाव में जिते कोरोना महामारी समय लॉकडाउन और शटडाउन होती गोटे पक्ष लोक रोजगार बहुत मात्रा प्रभावित होगापर चिंताग्रस्त होती से समय जिते साइबर ठकईर कथा सामनाक आसुची तेरे निश्चय विषय अनेक गंभीर रही चिंताजनक रही। आवास घोटाला विरुद्ध बीजेपी रणहुंकार आज लड़ेर तृतीय दिन न्याय पाई राजरास्ता को ओह्लाई दल सारा राज्य में दुर्नीति विरुद्ध बीजेपी लड़े राज्य में आवास दुर्नीति विरोध में स्वर उठाई बीजेपी दुर्नीति विरोध में राज्यव्यापी ब्लॉक ऑफिस घेराव कर दल दलय भित्तिरे अयोग्यंकु घर दिया योग्य बाद पड़ा अभियोग बीजेपी योग्य हिताधिकारी चयन थारु गृह निर्माण पर्यंत तदारक दावी करिछि बीजेपी गाँ मुरबी साही मुखिया युवक महिला संघर कर्मकर्ता पंचायत स्तर में जन निरीक्षण कमिटी गठन करा ए दावी जोर धरिछि। बाबद्रे अधिक आलोचना कटकरु इमरान एवं बालेश्वर प्रकाश आम प्रतिनिधि जोड़ी होती प्रथम प्रकाश को पाक जावाई चाहिए। प्रकाश जो भाव में बीजेपी वर्तमान दावी करुछि जे पंचायत स्तर में जन निरीक्षण कमिटी गठन कराउ योजना आरंभ ठू गृह निर्माण पर्यंत प्रत्येक कामर तदारक कराऊ स्वच्छता आकार में तथ्य सामना को अणाऊ केमती ए दावी को देखुं ओके प्रकाश का सहित जोगाजोग हो पारे आम चेष्टा कर प्रकाश का सहित जोड़ी हाँपी एपटे कटक इमरान अच्छा इमरान को पाखक जावा इमरान बीजेपी बारंबार दावी करुच्छी जन निरीक्षण कमिटी गठन करने जो माने ग्रामांचल रही मुरबी कथा कहतु मुखिया कथा कहतु युवक व महिला एमाने समस्ते जदि पंचायत स्तर में एक हे एम समस्ते तथ्य संग्रह करेंगे निश्चित सत कथा पदा को आसो क और देखो तो स्पीड लगे जब भाव में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकिन राज्य सरकार को ऊपर बीजेपी बटन बसुच्च राजनीतिक टुंगी तफान आरंभ हो जाए और आवास योजना आवंटन में अनियमितता रही जहाद्वारा कि बीजेपी अभियोग करके समग्र राज्य में आंदोलन करुच्ची आज से ही परिप्रेक्षी में कटक नगर बीजेपी पक्ष कटक महानगर निगम कार्यालय सम्मुखें धारणा दी जाएगी। मुझे सीधा कड़क दृश्य बर्तमान देखेबी ये होंगे कटक नगर बीजेपी समस्त कर्मकर्ता मैंने वर्तमान जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवंटन कर अनियमितता होती जहाद्वारा कि आवंटन में जो अभियोग बटन करजेपी पक्ष से राज्यर विभिन्न अंचल मानक आंदोलन करतीबाद करुखानुपुख तदंत करने दावी करते जबर भाव में जानते बीजेपी के समस्त कर्मकर्ता समस्त ही आंदोलन सामिल होती आम सहित अच्छा वर्तमान कटक नगर बीजेपी सभापति ललटेन्दु बड़ु जो अभियोग को आपकी आज आंदोलन कर देखो ये आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट भारत बर्षर भारतीय जनता पार्टी ड्रीम प्रोजेक्ट देश स्वाधीन है ये वर्ष 75 वर्ष हाँ जाऊँगी किंतु एपर्यंत मुंड उपरे चाल छात ना गरीब घर से आदिवासी इलाका हो हरिजन बस्ती हो गरीब लोकंर चारिड़े ये अवस्था ओडिशा रे 60-70 लक्ष घर तादेह मात्र 30-40 लक्ष बोधे हिताधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी 8 लक्ष घर देते बात्या समय नरेन्द्र मोदी 28-29 लक्ष रु ऊर्ध घर दे सारे एपर्यंत देखिए आहरी 20-30 लक्ष हिताधिकारी घर पाईना कहीं पाना कौन है असुविधा ताकू प्रतिवाद कर केन्द्र सरकार को पाखे राज्यपाल पाखे आम प्रदीप्त नायक आम विरोधी दल नेता प्रताप षडंगी महोदय ये नेतृत्व में राज्यपाल को अभियोग करने 2 राउंड सरजमीन तदंत ये राज्य सरकार कले नूतन आवेदन पत्र अभियोग पत्र नापी भी बाध्य करहण कले ये कोरोना काल में आम अभियोग पत्र कटक सहर से 8000 अभियोग पत्र देखूँ किंतु से गुड़ाकर सरजमीन तदंत नक नखोलिक
से पुणी थरे से पुराणा जो अर्डर जहाँ को देते से मानक कम कले ये पुराणा आमर आठ दफा दाबी हूँ ये घर गुड़ाक प्लास्टरिंग है ना रंग है ना पायखाना रोसे घर ना ताको घर संपूर्ण बोली कहुई नबे दिन श्रम दिवस लागू कराई जो मैंने श्रम कर पैसा दिहनी ताकू भी संपूर्ण बोली कही दिखाई जो मैंने हिताधिकारी योग्य हिताधिकारी नाम काटिंट योग्य जो मैंने पाई अकाउंट नंबर भी चेंज होती जो मैंने पाई कोड़ी हजार पचीस हजार तीस हजार एमती लाच भी नहीं एकानवर्ती परिवार जो मैंने अच्छा से मानक दिखाई यहाँ भी घोर अनियमितता जो ऑफिसर माने एथिरे संप्रुक्त जो ऑफिसर माने एथिरे दंडित हवा कथा कठोर कार्यानुष्ठान करा जाउ आ सेमानकर ना गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम प्रकाशित करा जाउ आ आरटीआई रे आमे मागुचु केते जण को देलो केते रहिले एक कथा भी हिसाब किताब दउनांती भारतीय जनता पार्टी गोटे दायित्व संपन्न दल हितवा कारण एक आपण मैंने जनवाक बाध्य कारण लोकों पाखे आम उत्तरदायी तुम्हें उत्तरदायी लोकों पाखे आम उत्तरदायी ए प्रतिक्रिया सामना को आसुला मुसबि आप इम्रान बालेश्वर प्रतिनिधि प्रकाश सीधासल मो सहित जोड़ी होती प्रकाश जोभि भाव में आज देखुं राज्य तमाम बीजेपी रणहुंकार आवास महादुर्नीति कथा सामना को आसी बालेश्वर कौन चित्र देखुं आप देखो स्मृतिलग्न जो प्रधानमंत्री आवास योजना पाखापाखि एक हजार कोटी टकर होती बीजेपी अभियोग आनी बर्तन राज्यर समस्त जो ब्लॉक अच्छे से ब्लॉक अफिस आगे आप देखुं विक्षोभ कर दुर्नीतिघर राज्य सरकार गरीब को लुटा बंद कर पीएम आवास महादुर्नीति संपुक्त अधिक गिरफ्त कर प्रधानमंत्री आवास योजना दस हजार टाँह लाच बाड़ी हजार टाँह लाच बंद करसबू विभिन्न प्रकार दाबी नहीं कि से ब्लॉक सम्मुख में आज देखुं बीजेपी कर्मकर्ता मैंने विभिन्न स्लोगान मन दौरान सहित किभली पंचायत स्तर कमिटी गठन कर ठार आरंभ कर घर या जो समस्त तथ्य ता प्रदान करजेपी दाबी रखी जो ब्लॉक ऑफिस सामने घेरा करके आम से प्रतिक्रिया ना जा जो अभियोग सब आनी राज्य सरकार मानु ना सब अभियोग रही प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार द्वारा जो महादुर्नीति तार पर्दाफाश करने प्रकृत हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना सामिल करने आज आंदोलन एवं राज्यपाल को गोटे मेमोरांडम दिया आमर बीडीओ माध्यम एवं आज जो आम यशस्वी प्रधानमंत्री आवास योजना प्राय 26 लक्ष घर राज्य को मात्र एते पर्यंत समस्त जो आमर प्रकृत हिताधिकारी वर्तमान सुधा पाई एवं प्रकृत हिताधिकारी किभ पाइबे एवं प्रकृत हिताधिकारी को घर केमती जोगे दिजाई व्यवस्था करने आज आम व्यवस्था कर देखो प्रधानमंत्री आवास योजना व्यापक दुर्नीति यार सरजमीन तदंत रिपोर्ट केन्द्रीय टीम ओडिशा सरकार को देवापर ओडिशा सरकार कौन सी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना पखापाखि एक लक्ष घर को ओवरराइटिंग करी सर्ट ना चंचकता करी एक हजार कोटी टंकार दुर्नीति करु से दुर्नीति को तदंत कहीं करूनी राज्य सरकार केन्द्र सरकार निर्देश देलापर भी राज्य सरकार मौन साजिवा ये तांकर अपारगता को परिप्रकाश करुच्छे प्रथम कथा द्वितीय कथा 30 लक्ष ऊर्ध घर प्रधानमंत्री आवास योजना ना केन्द्र मोदी सरकार ओडिशा को पठाई किंतु आज भी गरीब हिताधिकारी से घर वंचित कौन पाई अच्छा राज्य सरकार जदि दायित्व नहीं पारे न नहीं पारे हाथ उठिक लिखि दिंतु कि आम गरीब लोक दवापी बसनु आम नेता मंत्री को दवापी बसचु आम दुईट दाबी रही ये टोकन कार्यक्रम आज राज्य सभापति निर्देश में आगामी दिन में ये कथ को ना आंदोलन आहरी भयानक हम ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 आमर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना ओडिशा रे नुहे केवल नुहे सारा भारत वर्षर आरंभ होती इतने लक्ष्य थी प्रत्येक गरीबर तार मथार किभली गोटे पक्का छात जोगेदेबा किंतु राज्यर नवीन सरकार आकु जे भली भाव निजर दलियों योजना भली व्यवहार करचंती अनेक समय यार ब्रांड चेंज करके विजु पक्का घर योजना ना रे निज दल मंत्री भाई मंत्री पुतुरा प्रशासनिक ऑफिसर पुतुरा एवं
ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଆକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଗରିବର ହକକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନବୀନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ। ଜନତା ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏହା ପୁରା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପକ୍କା ଘରକୁ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଲୋକକୁ ବିଲକୁଲ ଘର ନ ମିଳିବା ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। ପକ୍ଷପାତିତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆଦୌ ମିଳିନାହିଁ, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇରୁ ଚାରିଟି ଘର ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ରହିଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଖବରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ରେକର୍ଡ 61 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ବରଗଡ଼ରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,476 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 2,806 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 590, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। କଟକରୁ 441, ଯାଜପୁରରୁ 252, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 153, ପୁରୀ 138, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛି 124 କେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 27,429। ଭୀମସାରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। ବୁର୍ଲା ଓ ଭୀମସାରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବାହାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଗୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରୁ ଔଷଧ ଆଣ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଏ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏକ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ମେ 26 ତାରିଖରେ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହାର କପି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଜ୍ଞାନ ଦତ୍ତ ଚୌହାନ, ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନ ଛାତ୍ର। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଳୟ ଭୋଇ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଭୀମସାର କରୋନା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଥା ଯେଉଁ ଘଟଣା ସେ ପୁରା ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ଘଟଣା ତଦାରଖ କରିଥିବେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା, ଏ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠିଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଖବର ଅନେକ ଥର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ସାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସମୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଔଷଧ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାହାରୁ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ତ ବିଶେଷ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା ପୁରାପୁରି ପଦାକୁ ଆସିଛି, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା ତାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା କପି ଦେଲା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା, ତ
निश्चित पक्षे देखा एभली अभोग ये केवल ये जो आईन छात्र जनक कहते हाइकोर्ट ता नुह पूर्व आप देखिथे जो भाई भाव बुर्ला भिनसार चिकित्सा होता से चित्र ये कथा को बर्तमान समय स्वत पूरापूरी प्रमाणित करो निश्चित पक्षे जो देखा जे ये बेले जो कमिटी अच्छा सरकार को जो कमिटी तैयारी कर सरकार से कमिटी जो तथ्य मैं आई कमिटी ना कमिटी तथ्य मैं कौटी ना कौटी भूल डाक्टर रहुनांती चिकित्सार अवहेला बाहर औषध आने जो रोगी माने संपर्क नहीं असुविधार सम्मुखीन होती बहुत बहुत धन्यवाद मलय समस्त अपडेट परवर्ती खबर को आसीबा पत्नी रो अश्लील वीडियो वायरल करबा को धमक दे स्वामी गिरफ होइछंती किंतु एपर्यंत गिरफ होइ नाहंती ससुर एवं सासु पीड़िताक अभिजोग परे भी काहे कि चुप बसिछि पुलिस याको नै बीजेपी नेत्री स्मृति रेखा पहिंक नेतृत्व रे बीजेपी रो एक टीम पीड़िताक फेटिछंती सासु एवं ससुर को तुरंत गिरफ न कले बीजेपी राजरास्ता को आसीबो बोली चेतावनी देइछंती। जाजपुर जिला कुआख्या थाना अंचल रे एबे घटना को नै आरंभ होइ जाइछि चर्चा अभिजोगकारी महिला को कुआख्या थाना मानपुर गाँव लोकनाथ पंडा को पुओ सुब्रत पंडा 2016 मसीहा रे वैदिक रीतिनीति रे विवाह करथिले तेबे विवाह रो किछि मास परे अत्याचार आरंभ करथिले स्वामी सुब्रत एभळी कि मद पी पत्नी को उल्लंघन करी मारबा सहित वीडियो मध्ये करथिले। महिला जनक तंक बाप घर को आसीथिबा बळे सेठारे भी से मारपीट करथिला आउ अश्लील वीडियो को वायरल करदेव बोली धमक मध्य देउथला। स्वामीर एभली काम रे सासु एवं ससुर ताकु सहयोग करतबा अभिजोग आनिछंती पीड़िता। 2016 रे बाहागर होइतला मानपुर होइतला एटी समस्त लोकन को सन्मंत्र ही होइतला तो जितेबाला बाहागर होला मो बापा जेमती जहाँ सब जौतुक दिखती सब घर ग्रहण जिनस दिखते सब दे कि बाहागर करते तो सेठी गलापुर मसक पर्यटन ठीक 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 ठाक से रही कहीं किसी कही ना तो स्वामी प्रबल मद पिंती बाड़बाड़ी करती प्रबल बाड़बाड़ी करती भी झीवों सहित बहुत संपर्क अच्छी जैक छात पर गपंती मुझे निजे देखी मुझे निज आखि तो मो स्वामी मत प्रबल बाड़ा एमती कि मैंने जिते बड़ बाबद्रे अधिक सूचना पाई परमेश्वर बेहुरिया फोनलाइन में जोड़ी होती हम रिपोर्टर परमेश्वर प्रश्न उठुची जदि सासु ससुर अभियोग आसी स्वामी को गिरफ करा जाई छी सेमानु को काहे की छाड़ी दिया जाई छी। देखो स्मृति लग्न कुआखिया थाना अंचल गोटे अभावन्य घटना घटी सुब्रत पंडा जी रही पत्नी एक सांघातिक अभियोग आनी थाना रे एवं से उल्लेख कर स्वामी नाम सहित ससुर एवं सासू नाम सबुठ बड़ विड़म्बनार विषय पुलिस केवल वर्तमान केवल स्वामी सुब्रत को गिरफ्त कर सासु ससुर को कौन प्रकार गिरफ्त करनी जहाँफल दुई जन जाक फेरार थी कथा वर्तमान घटनाटी सामना को आसुच्छे कि सबुठ विड़म्बनार विषय जहाँ वर्तमान सामना को आसुच्छे राजनैतिक दल सहित सुब्रत जी पिता रही सीधा सड़ संपुक्त थी पुलिस कौन कार्यानुष्ठान अभियोग कर स्मृतिरेखा पही जी बीजेपी नेत्री रही किंतु यह भितर गोटे कथा उठू एत बड़ घटना संवेदनशील घटना जहाँ जाजपुर गोटे चित्र को निंदित कारण आप जानते जड़े स्वामी है कि निज स्त्री अश्लील वीडियो उत्तोलन करल करने स्त्री को सीधा सड़क भाव में धमक दौंट एपरिक स्त्री एक बाघर कार्य निज घर को आसी सत्वे घर पहुंची स्वामी से विभिन्न प्रकार अश्लील भाषा में गालीगुलज करने सहित मारवाई पचे ना से वीडियो गुड़ी भाइर करने धमक देते जहां को स्त्री सीधा सड़क भाव में जाते कुआखिया थाना रे लिखित भाव में अभियोग पुलिस केवल स्वामी को गिरफ्त कर किंतु जहां अभियोग रोच ये घटना पचर शशुर हाथ रोच शाशुंर हाथ रोच से सीधा सड़क भाव में लिखित भाव तदंत सापेक्ष सेमानकर संप्रुक्ति रही काहेकि सेमानकु गिरफ करा जाय नाही साधारण रे प्रश्नवाची मध्य उठुची बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर समस्त सूचना पे। जळिला बारिपदा रक्त भंडार शॉर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड घटीथिबा संदेह करा जायछि तबे नियाकु नियंत्रण करिछि अग्निशम विभाग निया लागि रक्त भंडार रे लागिथिबा एसी कंप्यूटर एवं किछि आसबाबपत्र पोडी जायछि सूचना हिसाब रे रक्त रहुथिबा स्थान रे कोनोसी क्षति होइनि। आज सका 7:30 ए अग्निकाण्ड घटना सूचना कंप्यूटर रूम रे धुआ देखी तुरंत अग्निशम विभाग को खबर देते कर्मचारी अल्प समय भितर घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त कर अग्निशम विभाग समय बुलेटिन को नमस्कार।